इंदौर में पाकिस्तान से आई गीता के घर का पता चला है। पेट पर जलने के निशान से मां और बहन ने पहचान लिया है। गीता की सहमति से डीएनए टेस्ट कर इसकी पहचान होगी। पाकिस्तान से माता पिता की तलाश में इंदौर आई मूक बधिर गीता के माता पिता की तलाश अब लगता है जल्द ही खत्म होने की कगार पर है। कई सालों से इंदौर में रहकर गीता के माता पिता को तलाशने की कवायद इंदौर की ही एक संस्था के संस्थापक ज्ञानेंद्र पुरोहित और उनकी पत्नी कर रहे हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित परभणी से एक गांव में गीता को पहचान लिया है। गीता इंदौर से अपने परिवार से मिलने और इनके मूल स्थान वाले प्रदेश परभणी महाराष्ट्र के लिए महालक्ष्मी नगर से रवाना हुई। संस्था द्वारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट, जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग इंदौर और पुलिस के अथक प्रयासों से गीता के मूल स्थान का पता ढूंढ निकाला है। इंदौर से जीतू माथुर के साथ ब्यूरो राकेश अच्छर की रिपोर्ट। गीता को परभणी महाराष्ट्र स्थित बहल फाउंडेशन में भेजा गया है पुनर्वास के लिए। वहाँ पर वो कैंपिंग करेगी क्योंकि लगातार जो लीड मिल रही है वो तेलंगाना और मराठवाड़ा से ही मिल रही थी। और अभी एक परिवार भी वहाँ पर आगे आया है जो गीता को अपनी बिटिया बताता है। उसने जो एक बॉडी पर जो चिन्ह बताए वो भी गीता की वो चिन्ह मिलते जुलते हैं। सारी भौगोलिक कंडीशन भी जो गीता बताती थी वो वहाँ पर मिल गई। जो ट्रेन का वो बताती थी और समय बताती थी वो भी वहीं से मैच हो रहा है। सचखंड एक्सप्रेस जो 10-11 बजे चलती थी ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो इसके लिए अभी गीता को वहाँ पर अस्थायी रूप से कैंपिंग में भी रखा गया है क्योंकि बार बार गीता को यहाँ से वहाँ ले जाना संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि साथ में एक लेडी स्टाफ, एक जेंट्स स्टाफ को ट्रैवल करना पड़ता था और इतना ट्रैवलिंग कोविड के समय पर रिस्की था। गीता को भी वहीं पर रखा गया है और जब भी कोई लीड मिलेगी तो वहाँ पर जाया जाएगा और उसकी मदद की जाएगी। और इस बीच अगर गीता डीएनए के लिए तैयार है तो उस परिवार से डीएनए होने पर आगे की चीज़ें संभव हो पाएगी। धन्यवाद। मैं मोनिका पुरोहित, संचालक आनंद सर्विस सोसाइटी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।